हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि होने वाला है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो जैसा कि आपको पता है कि बीसीओसी जो 138 है, उसका एग्जामिनेशन होने वाला है। तो आई होप कि आप प्रिपेयर बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। उसी सेगमेंट में हमने एक वीडियो लेकर के आया हूँ, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। कैसे जाना है मैं आपको बता दूंगा, है ना? तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, उसके पहले मैं वो सारी चीजें आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबाना है, और आपको प्लेलिस्ट पे आना है, जो कि है कॉमर्स की पाठशाला का प्लेलिस्ट। यहाँ पे आने के बाद आपको इग्नू बीकॉम वाले प्लेलिस्ट पे आपको जाना है। जैसे ही आप आएंगे, इग्नू बीकॉम न्यू आपको दिखेगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ढेर सारी वीडियोस एक तरीके से मिल जाएंगी। यहाँ पे बहुत सारे आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट दिख रही है, जहाँ जिसके अंदर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। अभी तो फिलहाल कम है, बट धीरे धीरे बढ़ रही है, तो जब आप चेक करेंगे हो सकता है तब तक और भी ज्यादा हो। तो बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे मिलेंगी आपको, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की, जिनको देख करके आप डेफिनेटली एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट में चाहिए, अगर आपको नोट्स हमारे पास से खरीदने हैं 40% डिस्काउंट पे, तो आप हमसे खरीद सकते हैं। इसके लिए सिंपल सा प्रोसेस है कि आपको हमारे चैनल के ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल का मेंबरशिप प्लान लेना होगा, जहाँ पे आपको असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, आपको नोट्स बहुत ही सस्ते दामों पर मिलेंगे, आपको ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है किसी के पास से, आपके ट्यूशन का जितना भी सारा काम होता है वो हम प्रोवाइड करा देंगे आपको। आपको सिर्फ ये करना है कि आपको हमारे चैनल का मेंबरशिप प्लान लेना है, 24/7 आपको सर्विसेज मिलेगा। और अगर आप नोट्स, आपको लगता है कि आपको लेने की जरूरत है, हमारे इन सारे वीडियोस को देखने के बावजूद अगर आपको लगता है कि कुछ पॉइंट्स आप घर में बैठ के बुक्स के थ्रू याद करना चाहते हैं, नोट्स के थ्रू याद करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। हमसे आप बहुत ही सस्ते दामों पे नोट्स भी खरीद पाएंगे, ठीक है ना? ये तो बात होगी चैनल के बारे में। अब बात कर लेते हैं हमारे टॉपिक के बारे में, जो कि है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन, है ना? तो कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि एसर्टेन्स द कॉस्ट ऑफ गुड्स, माफी चाहूंगा, यस, सो कॉस्ट अकाउंटिंग एसर्टेन्स द कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, है ना? तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आप क्रिएट कर रहे हो, उसका क्या कॉस्ट होगा, ये एसर्टेन करने में, ये पता लगाने में कॉस्ट अकाउंटिंग आपकी हेल्प करता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है आपकी हेल्प करता है टू प्रेजेंट द ऑपरेशनल रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, है ना? तो जो जो फाइनेंशियल पोजीशन है आपकी कंपनी का, आपके बिजनेस का, या जो ऑपरेशनल रिजल्ट है कि आपको नेट प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये पता लगाने में फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है आपकी हेल्प करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट को पता लगाने में हेल्प करता है गुड्स एंड सर्विसेज की, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपके नेट रिजल्ट और फाइनेंशियल पोजीशन को पता लगाने में आपकी हेल्प करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है ना? चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला पॉइंट है सर्व्स द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द मैनेजमेंट, है ना? कॉस्ट अकाउंटिंग एक तरीके से जो इंफॉर्मेशन नीड्स होती है मैनेजमेंट की, उसको पूरा करता है। एट द सेम टाइम फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज एंड द सोसाइटी ऑफ एट लार्ज, है ना? तो जो फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग होती है, उसमें जो इंफॉर्मेशन निकल के आती है, जिसे हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बोलते हैं, वो एक तरीके से कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। कंपनी के क्रेडिटर्स, कंपनी के एम्प्लॉइज, कंपनी में जो सोसाइटी के लोग होते हैं, उनको एक तरीके से फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग का जो इन्फॉर्मेशन है उसका इस्तेमाल जो है यहाँ पे मैनेजमेंट ही करती है ओनली, है ना? थर्ड पॉइंट है need not to be followed by a system of external audit. Cost accounting में किसी भी तरह का external audit को follow करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, but financial accounting में आपको external audit भी करवाना होता है। आप internal audit भले ही करवा लो, but at the same time आपको external audit भी कराना होगा। need a system of independent audit to ensure the financial system give a true and fair view of the state of affairs, है ना? तो यहाँ पे आपको एक external audit system की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि independent होगा और आपकी financial transactions को एक तरीके से audit करेगा और check करेगा कि सारी चीजें true and fair जो है वहाँ पे है या नहीं है, ठीक है ना? तो ये तीन पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट हो गया classifies expenses into material cost, labor cost, fixed overheads and variables, है ना? Cost accounting में आपके पास जो expenses होते हैं, आप उसको बांट देते हो तीन चार categories में, जैसे कि material cost का जो खर्चा होगा, labor cost का जो खर्चा होगा, fixed overheads का जो खर्चा होगा, variable overheads का जो खर्चा होगा, आप इन सबको बांट दोगे, आपके cost को आप इन सब चीजों में बांट दोगे। Whereas financial accounting में ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ द बिजनेस आर क्लासिफाइड इनटू डेबिट एंड क्रेडिट। तो यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, उसको भी आप दो भाग में बांटते हो, जैसे हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं, मतलब जो आप पैसा आएगा और जो पैसा जाएगा, आपका रिसीट एंड पेमेंट को आपको यहाँ पे लिखना होता है और इसको यहाँ पे बांटा जाता है, ठीक है ना? अगला पॉइंट है शोज एक्सपेंसेस इन अ कॉस्ट शीट
प्रोसेस अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और सम अदर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, है ना। तो जो भी आपका यू नो कॉस्ट होगा किसी भी चीज का, उसको दिखाने की कोशिश की जाती है कॉस्ट शीट के माध्यम से, प्रोसेस अकाउंट के माध्यम से, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के माध्यम से या किसी और अदर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के माध्यम से। वेयर एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कंसोलिडेट किया जाता है सारे के सारे ट्रांजेक्शन को, और वहां पे दो तरह के यू नो फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं, जिसे हम ट्रेडिंग एंड पीएल कहते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा बनाया जाता है बैलेंस शीट, है ना, जिससे आपके जो कंपनी है उसका जो ट्रू एंड फेयर व्यू है वो आपको पता चल पाता है। छठा पॉइंट है डज नॉट फॉर्म अ बेसिस फॉर टैक्स असेसमेंट बिकॉज दिस इज नॉट अ रिकॉर्ड, है ना। तो इसके बेसिस पे आप टैक्स एक तरह से कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्या कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिस पे या फिर यू नो कॉस्ट एसरटेन करके आप जो है टैक्स कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये एक फायदा होता है कि जब आप यू नो कैलकुलेशंस करते हो तो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी बनती है आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो और उसको पे भी कर सकते हो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये फैसिलिटी जो है आपको प्रोवाइड कराई जाती है कि आप उसको कैलकुलेशन बहुत ही आसानी से कर पाओगे। सातवां नंबर पॉइंट है रिक्वायर्स वेरियंस एनालिसिस टू आइडेंटिफाई द फेवरेबल और एडवर्स डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है ना। तो इस केस में आपको क्या करना होता है, आपको करना ये होता है कॉस्ट अकाउंटिंग में ये होता है कि आपको जो है स्पेस जो वेरिएंस एनालिसिस है वो आपको करना होता है ताकि आप ठीक तरीके से आइडेंटिफाई कर पाओ कि ऐसा कौन सा रीजन है ना जो कि आपकी कंपनी की स्टैंडर्ड कॉस्ट या फिर जो एक्चुअल कॉस्ट है उसमें एक तरीके से डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, ऐसा कौन सा वेरिएंस है जो कि डिफरेंस को क्रिएट कर रहा है, ये आपको आइडेंटिफाई करना होता है और उसकी फिर एनालिसिस आपको करनी होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड्स ओनली द एक्चुअल ट्रांजेक्शन ऑकरिंग इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, और यहाँ पे आपको सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ, सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है जिनका बिजनेस ऑपरेशन से कुछ लेना देना है ना, और जो कि बिजनेस ऑपरेशन के टाइमिंग के दौरान हो रहे हैं सिर्फ उन्हीं को यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। वेयर एज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में अपने वेरिएंस को निकालने की कोशिश करते हैं कि जो डिफरेंस आ रहा है स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में वो किस वेरिएंस के कारण आ रहा है और फिर उसको हम एनालाइज करते हैं, राइट। आठवां नंबर पॉइंट है प्रेजेंट्स द कॉस्ट इन्फॉर्मेशन एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, कॉस्ट अकाउंटिंग हमें जो है यू नो कॉस्ट इन्फॉर्मेशन बहुत ही फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे प्रोवाइड करती है। वेयर एज फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमें साल भर में एक दो या तीन बार हमसे हमें जो है प्रोवाइड किया जाता है, अभी कम से कम चार बार होता है क्योंकि क्वार्टरली अब होने लगा है तो तीन तीन महीने में आता है, तो चार बार तकरीबन हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। बट ओवरऑल अगर देखेंगे तो साल भर का इन्फॉर्मेशन तो आपको एक साल के बाद ही मिलेगा, तो साल भर का एक बार या दो बार ही होता है ना, छह महीने का भी कभी निकलता है तो एक या दो बार यहाँ बुक में लिखा हुआ है, बट आप इसको मैक्सिमम फोर टाइम्स कर सकते हो, ठीक है ना। नौवा पॉइंट है फाइंड्स आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑन स्पेसिफिक प्रोडक्ट ब्रांचेस डिपार्टमेंट जॉब्स एंड प्रोसेसेस। कॉस्ट अकाउंटिंग अगर आप करोगे तो जो आपके स्पेसिफिक प्रोडक्ट या स्पेसिफिक आपके ब्रांचेस हैं, है ना, ये डिपार्टमेंट्स हैं, आप उन सब के यू नो प्रॉफिट एंड लॉस आप उस पर्टिकुलर चीज के बारे में आप पता कर पाओगे, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बारे में अगर आपको पता करना है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है तो आप कॉस्ट अकाउंटिंग के माध्यम से आप उसको कर सकते हो। लेकिन जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हो तो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास निकल करके आती है वो आपके इंटायर बिजनेस की निकल करके आती है, तो ये छोटा सा जो है डिफरेंस यहाँ पे बताया गया है। तो टोटल नौ डिफरेंसेज हैं बिटवीन द कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, थैंक यू।